अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। एकदम परफेक्ट दानेदार सूजी का हलवा बनाना फ्लेवर में कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। जब हमें मीठा खाने का मन करे तो सूजी का हलवा एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बनाना। सूजी के इस हलवे को प्रसाद के रूप में भी बनाकर चढ़ाया जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी करीब आधा कप देसी घी। कढ़ाई में मैंने ले लिया है, घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक कप सूजी और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेना है और सूजी को एकदम धीमे आंच पर ही भूनना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है अगर आपको सूजी का हलवा बहुत ही परफेक्ट बनाना हो तो। करीब डेढ़ मीडियम साइज़ का केला मैंने एकदम पका हुआ लिया है जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। धीमी आंच पर सूजी को आप भुनें, धीरे धीरे इसका रंग भी बदलने लगेगा और बीच बीच में चलाते रहें ताकि सूजी अच्छे से भुन जाए। सूजी को अगर आप जल्दबाजी में तेज़ आंच पर भुनेंगे तो फ्लेवर इसका उतने अच्छे से नहीं आएगा और दानेदार हलवा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए धीमी आंच पर ही इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। साथ ही साथ इसमें घी की क्वांटिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दानेदार हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी का रंग जो है बदलने लगा है, हल्का भूरा हो चुका है। थोड़ा सा इसे और भून लूँगी करीब 2 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी केला, तो उसे थोड़ा सा मैश करके या छोटे टुकड़ों में काट के डाल दें और फिर इस कलछी की सहायता से ही मैं इसे मैश कर लूँगी इसी कढ़ाई में इस तरह से और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो पका हुआ केला है, एकदम नरम है, एकदम अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। एक कप सूजी के लिए करीब 2.5 कप पानी मैं इसमें डालूँगी और साथ ही साथ डाल दूँगी चीनी, तो करीब आधा कप चीनी मैं इसमें डाल दूँगी। केला भी थोड़ा मीठा होता है, उसका भी फ्लेवर आएगा, तो आधा कप चीनी काफ़ी है। वैसे आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, पसंद के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस हलवे को थोड़ा सा ढक कर पकने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट आप पकाएंगे और हमारा हलवा जो है यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि हलवा जो है एकदम दानेदार बने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा एकदम बन के तैयार हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है, दानेदार हलवा बना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ काजू और बादाम, इसे गार्निश कर लें और साथ ही साथ इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म परोसें, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो अब मैं सूजी के हलवे को एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। ये देखें यहाँ पर एकदम दानेदार बना है। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होगा इसके दाने और भी ज़्यादा उठकर आ जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू पिस्ता और बादाम इसे गार्निश कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।